नाउ लेट अस सी, ए पेशेंट कम्स टू यू एंड ही सेज मेरे को रोज रात को बुखार 99 हो जाता है, तब आप क्या करोगे? कोई पेशेंट आता है कि मेरे को रोज रात को मेरा बुखार 104 या 100 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सर्शनल फीवर। दिन भर आपने काम किया, एक्सर्शनल फीवर हो गया, COVID-19 में एक्सर्शनल फीवर होता है। आप बोलोगे सवेरे बुखार नहीं है, दिन भर मैं उठा बैठा काम किया फिर को बुखार हो गया शाम तक, और जैसे ही मैंने रेस्ट करना चालू किया मेरा बुखार खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड एज फीवर ऑन एक्सर्शन। उसके अलावा क्या होता है फीवर ऑन एक्सर्शन के बाद में? क्या होता है कि फीवर ऑन एक्सर्शन के बाद में मेरे को कई लोग कहते हैं कि मेरा फीवर आता है ठंड लग के आता है, तो ठंड के साथ में हम पूछते हैं राइगर्स आए कि नहीं आए, ठंड के बाद में हम पूछते हैं राइगर्स आए कि नहीं आए। अगर आपको राइगर्स आए, कप कपी आई, इसका मतलब है मलेरिया है, फाइलेरिया है, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इस कारण से आपको ठंड लग के राइगर्स करके बुखार आ सकता है। जिन लोगों को ठंड लग के खूब सारी कप कपी होती है, टेक इट फॉर ग्रांटेड ये जो फीवर है ये मलेरिया का या फाइलेरिया का या सेप्सिस का फीवर है। सेप्सिस का मतलब है मेरे शरीर में कहीं पस बन गई है, मेरे को सेप्टिसीमिया हो रहा है। तो जब भी कोई पेशेंट बोलेगा मेरे को राइगर्स आ रहे हैं तो आप मलेरिया सोचिए, जिस एरिया में फाइलेरिया है वहां फाइलेरिया सोचिए, या फिर आप सोचिए कि आपकी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया है।